हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। आज अपने इस लेक्चर में मैं आपसे मोटिवेशन की तीसरी थ्योरी पे बात करने जा रहा हूँ, जिसका नाम है हर्ट्ज़बर्ग्स टू फैक्टर थ्योरी। दूसरी थ्योरी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण है। इस थ्योरी को समझाने के लिए मैं आपको RSRTC का एग्जाम्पल दूंगा, राजस्थान स्टेट रोड ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन, जो इस वक्त काफ़ी यूज में रहता है अपनी स्ट्राइक्स की वजह से, राइट। और दोस्तों, हो सकता है मेरे एग्जाम्पल्स आपको कम रेलिवेंट लगे या प्रैक्टिकल रियलिटी से दूर लगे, तो प्लीज़ ज़्यादा इस पर अपना लॉजिक मत लगाना, ठीक है। हमारा मकसद इस थ्योरी को समझना है, इसको एज ए मॉडल अपनाते हुए थ्योरी को समझना है। दोस्तों, कबीरदास जी का दोहा है ना कि सार सार को ग्रही करे थोथा देव उड़ाए, ठीक है। तो थोथा उड़ा देना, सार सार को ग्रहण कर लेना, राइट। तो आइए इस थ्योरी को समझने का प्रयास करते हैं। तो दोस्तों, जो हर्ट्ज़बर्ग था ना, उसने बेसिकली इस थ्योरी के द्वारा ये समझाने का प्रयास किया कि जब कोई व्यक्ति नई नई ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन करता है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को, तो वहाँ पे ऐसे कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो उसको जॉब सेटिस्फेक्शन देते हैं या जॉब डिससेटिस्फेक्शन देते हैं। तो उसने इसके लिए क्या किया, बहुत से इंजीनियर्स और अकाउंटेंट्स का इंटरव्यू लिया उसने, और उस इंटरव्यू के माध्यम से उसने इन फैक्टर्स को जाना, और फिर इन फैक्टर्स को उसने दो कैटेगरी में क्लासीफाइड किया। पहला था हाइजीनिक फैक्टर्स और दूसरा है मोटिवेटर फैक्टर्स। जो हाइजीन फैक्टर्स थे उसको उसने डिससेटिस्फाइड्स भी कहा, और जो मोटिवेटर फैक्टर्स थे उसको उसने सेटिस्फाइड्स कहा। ओके, अब आइए इसको समझने का प्रयास करते हैं। तो सो मान लीजिए मेरा रिक्रूटमेंट इस डिपार्टमेंट में होता है, एक किसी नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे या किसी लेबर क्लास वाली पोस्ट पे मेरा रिक्रूटमेंट होता है। अब चूंकि मैं नॉन एग्जीक्यूटिव पोस्ट पर हूँ, मैं डिपार्टमेंट को नया नया ज्वाइन किया हूँ, तो मेरे लिए क्या मैटर रखेगा उस वक्त, मेरे लिए मैटर रहेगा कि भाई मुझे हर महीने टाइम टू टाइम पर सैलरी मिलती रहनी चाहिए, दिवाली का बोनस मुझे मिलना चाहिए, राइट। दूसरा, अगर मैं एक महिला कर्मचारी हूँ तो मेरे लिए मैटर रखेगा कि भाई मेरा वर्किंग प्लेस पे किसी तरह का हरेसमेंट ना हो, मैं अपने आप को सिक्योर फील करूँ हर तरह से, राइट। तीसरा, मैं ये देखूंगा कि भाई हम कर्मचारियों और जो हमारे कर्मचारियों जो लेबर यूनियन है और जो मैनेजमेंट है, उसके आपस में रिलेशनशिप कैसे हैं, क्या वो हमारी बातों को, हमारे डिमांड्स को सुनते हैं, नहीं सुनते हैं, राइट। फिर मैं देखूंगा कि भाई हमारे डिपार्टमेंट की ऑर्गेनाइजेशन की जो पॉलिसी है वो कैसी है, भाई मेरा जो रिक्रूटमेंट हुआ है क्या वो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पर है या परमानेंट बेसिस पे है, राइट। अगर वो कॉन्ट्रैक्ट पर है तो पता नहीं कि मेरी मेरी जॉब सिक्योर है कि नहीं, और डिपार्टमेंट जिस तरह घाटे में जा रहा है, क्या पता कल को डिपार्टमेंट सरकार इतना डिसइन्वेस्टमेंट कर दे कि मैं नौकरी से हाथ धो बैठूँ, राइट। तो मेरे लिए ये सारी बातें मैटर करेंगी। जब तक ये मेरी बातें फुलफिल होती रहेंगी ना, मैं डिपार्टमेंट के लिए काम करता रहूँगा, राइट। मैं जॉब डिससेटिस्फैक्शन से दूर रहूँगा। यद्यपि ये सारी बातें मुझे हायर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट नहीं करेंगी, मतलब मैं कोई ऐसा काम नहीं करूंगा कि मुझे खुद परिवहन मंत्री आके ट्रॉफी देंगे, लो आपको आपको हम सम्मान करते हैं, आपने बहुत महान कार्य किया, राइट। तो ये जो फैक्टर्स हैं मुझे कोई महान कार्य करने के लिए मोटिवेट नहीं रख रहे हैं, राइट। ये सिर्फ मुझे क्या कर रहे हैं, जॉब डिससेटिस्फेक्शन से दूर रख रहे हैं। जैसे ही ये फैक्टर्स एब्सेंट हो जाएंगे ना, मेरे अंदर जॉब डिससेटिस्फेक्शन आ जाएगा, जो कि इस वक्त RSRTC में देखा जा रहा है। वहाँ के जो कर्मचारी हैं उन सब के अंदर इन सारे फैक्टर्स की नेग्लिजेंसी होने की वजह से एक जॉब डिससेटिस्फेक्शन आया हुआ है, राइट। तो इसी को उसने हाइजीन फैक्टर्स कहा था। बेसिकली इनको हाइजीन कहने के पीछे इसका मतलब ये है दोस्तों, हाइजीन का मतलब होता है साफ सफाई रखना। जब हम अपने चारों ओर साफ सफाई रखते हैं तो बेसिकली हम इससे क्या होता है, बीमारियों को खुद से दूर रखना चाहते हैं, राइट। जैसे ही साफ सफाई रखना बंद कर देंगे हम बीमार पड़ जाएंगे, लेकिन जो साफ सफाई रखने का मतलब ये नहीं है कि अगर आप ऑलरेडी बीमार है तो आप वो साफ सफाई आपको ठीक कर देगी, ठीक है। तो वो ये साफ सफाई रखना एक प्रिवेंटिव पार्ट है, क्यूरेटिव पार्ट नहीं है। इसी तरह ये जो हाइजीन फैक्टर्स है ना, ये आपको जॉब डिससेटिस्फेक्शन से दूर रख रहे हैं, आपको हायर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट नहीं कर पा रहे हैं, ठीक है। आपकी बस जो आपकी यथास्थिति है डिपार्टमेंट में उसको मेंटेन ये लोग कर रहे हैं, इसलिए इसको उसने हाइजीन फैक्टर्स या डिससेटिस्फाइड्स कहा। नेक्स्ट दोस्तों, मोटिवेटर फैक्टर्स। दोस्तों मान लीजिए इसी डिपार्टमेंट में आपका चयन एक एग्जीक्यूटिव पोस्ट पे हो जाता है, MD लेवल की अच्छी पोस्ट पे हो जाता है। अब आपके लिए ये फैक्टर मायने नहीं रखते, आपके लिए क्या मायने रखता है कि आप ऐसा काम करें जिससे आपको आपकी अचीवमेंट हो, आपका रिकॉग्नाइजेशन मिले, पहचान मिले, आपको चैलेंज मिले, रेस्पॉन्सिबिलिटीज आपको मिले, और आप जो डिपार्टमेंट है उसको घाटे से उबार ले और खुद परिवहन मंत्री आपको सम्मानित करे, राइट। और आप ये सोचेंगे कि भाई किस तरह मेरा डिपार्टमेंट में और अच्छा प्रमोशन होता चला जाए, मेरी ग्रोथ हो, मेरा करियर एडवांसमेंट हो, राइट। ये फैक्टर्स अब आपको मोटिवेट करेंगे हायर परफॉर्मेंस के लिए, राइट। तो ये जो बेसिकली जो फैक्टर्स हैं, अचीवमेंट, रिकॉग्नाइजेशन, रेस्पॉन्सिबिलिटी, ग्रोथ एंड करियर एडवांसमेंट, ये फैक्टर्स आपको हायर परफॉर्मेंस के लिए मोटिवेट रख रहे हैं, राइट। अगर ये फैक्टर्स एब्सेंट है तब भी आप जो है डिससेटिस्फाइड नहीं होंगे, राइट। लेकिन अगर प्रेजेंट है तो ये आपको हायर
परफॉर्मेंस के लिए हमेशा मोटिवेट करते रहेंगे, इसलिए इसने इसको मोटिवेटर फैक्टर्स कहा था। ओके तो दोस्तों ये बेसिक डिफरेंस है हाइजीन फैक्टर्स है मोटिवेटर फैक्टर्स के बीच में। ओके दोस्तों इसके बाद हर्ट्जबर्ग ने दो वर्ड्स और बताए थे, एक था जॉब एनलार्जमेंट, एक है जॉब इनरिचमेंट। आपसे एग्जाम में जॉब एनलार्जमेंट और जॉब इनरिचमेंट में दोनों में 15 शब्द फर्क पूछा जा सकता है। दोस्तों जॉब एनलार्जमेंट का मतलब क्या होता है कि आप कोई काम कर रहे हैं, आपके टेबल पे ऑलरेडी 10 फाइल है, ठीक है, आप उनके वो फाइल आपको निपटानी है, फिर आपके टेबल के ऊपर 10 फाइल और आके रख दी, यानी अब 20 फाइल हो गई, तो राइट अब आप जो काम कर रहे हैं वो 20 फाइल में काम कर रहे हैं, दिस इज जॉब एनलार्जमेंट, ठीक है, इसमें आपका काम का बर्डन आप पे बढ़ रहा है। वही जॉब इनरिचमेंट का मतलब होता है दोस्तों ये पॉजिटिव सेंस में है, मान लीजिए आप कोई रूटीन काम कर रहे हैं लेकिन वही काम करने के साथ साथ आपको उसकी प्लानिंग एग्जीक्यूशन और कंट्रोल के रिगार्डिंग रेस्पॉन्सिबिलिटी और ऑटोनोमसिटी आपको दे दी गई है और आपको डिसीजन मेकिंग पावर आपको दे दी गई है, तब आपका ये कहलाएगा जॉब इनरिचमेंट, राइट। तो बेसिकली हर्ट्जबर्ग ने कहा कि अगर किसी ऑर्गेनाइजेशन के अंदर मोटिवेटर फैक्टर्स नहीं है और कर्मचारियों को आपको मोटिवेशन देना है तो आप जॉब इनरिचमेंट को शामिल कीजिए, राइट। तो बेसिकली उसने मोटिवेशन का एक सजेशन दिया था, वो था इन फॉर्म ऑफ जॉब इनरिचमेंट, राइट। दोस्तों हर्ट्जबर्ग की जो पूरी थ्योरी है ये जो हमारी PSUs है पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग्स है उनमें बहुत रेलिवेंट है, राइट। आपको इसका जो उदाहरण है इस PSUs में मिलेगा, इसलिए मैंने आपको ये RSRTC का इसमें एक एग्जाम्पल मैंने आपको इसमें दिया था, राइट। सो दिस इज अ बेसिक डिफरेंस बिटवीन हाइजीन फैक्टर्स एंड मोटिवेटर फैक्टर्स। आपसे एग्जाम में इस पूरी थ्योरी का मजमून 50 शब्दों में पूछा जा सकता है, 100 वर्ड्स में नहीं पूछेगा, 50 शब्दों में आपसे हाइजीन फैक्टर्स और मोटिवेटर फैक्टर्स में डिफरेंस पूछा जा सकता है। एक बात और दोस्तों, ये जो हाइजीन फैक्टर्स हैं इसे किसी ऑर्गेनाइजेशन के पेरिफेरल या एक्सटेंसिव फैक्टर्स भी कहते हैं। पेरिफेरल या एक्सटेंसिव फैक्टर का मतलब इनका संबंध आप कि उस काम से नहीं है जो जिस डिपार्टमेंट में आप काम करने के लिए आए हैं, आप जो काम डिपार्टमेंट काम कर रहे हैं उसके अलावा बाहर के बहुत से फैक्टर्स होते हैं जो आपको प्रभावित करते हैं, राइट। तो ये है एक्सटेंसिव फैक्टर्स और इसका संबंध है आपके काम से, नेचर ऑफ द जॉब, नेचर ऑफ द टास्क से, इसलिए हम इसको इंट्रेंसिक फैक्टर्स भी कहते हैं, राइट। तो मोटिवेटर फैक्टर्स आल्सो कॉल्ड एज सैटिस्फायर्स एंड इंट्रेंसिक फैक्टर्स एंड हाइजीन फैक्टर्स आल्सो कॉल्ड एज डिससैटिस्फायर्स एंड एक्सट्रेंसिक फैक्टर्स। एक्सट्रेंसिक मतलब बाहर का, इंट्रेंसिक मतलब अंदर का फैक्टर जिसका संबंध आपके खुद आपके नेचर ऑफ द जॉब से इसका संबंध है। तो गाइड थैंक यू सो मच, ये रही हर्ट्जबर्ग की थ्योरी। नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे मैस्लो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी है उन दोनों में डिफरेंस और सिमिलरिटीज की। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि अगर RPSC को एक तीर से दो शिकार करने होंगे तो ऑब्वियसली वो आपसे मैस्लो हर्ट्जबर्ग की थ्योरी में डिफरेंस पूछने का प्रयास करेगा। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।